आज हम एक फ्रॉक स्टाइल ब्यूटीफुल कुर्ती बनाएंगे। इस कुर्ती को आप जीन्स या लेगिंग्स के साथ पहन सकते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश लगेगी और इस तरह की कुर्ती आजकल बहुत ट्रेंड में है। तो इसे बनाने के लिए मैंने 2 मीटर रेयन फैब्रिक लिया है और ये इस तरह की पॉम्पम लेस ली है और ये कुछ बटन्स लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को लंबाई में 2 फोल्ड करेंगे। तो इस तरह इसकी ये दोनों साइड ओपन है और ये साइड इसकी जुड़ी हुई है। अब हम इसको एक कोने से पकड़ेंगे और इस तरह इसे फोल्ड करेंगे दूसरे कोने तक, इस तरह। तो इस तरह हमें इस फैब्रिक को ट्रायंगल में फोल्ड कर लेना है। ये ओपन साइड है इसकी और ये जुड़ी हुई साइड है। अब यहाँ कॉर्नर से हम इसकी मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें शोल्डर का हाफ लेना है, तो मैं ले रही हूँ 7 इंच। तो इस तरह मैं 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इस कोने से हम इस निशान को मापेंगे, तो ये आ रहा है 10 इंच पे। तो दूसरी साइड हमें 1 इंच कम लेना है, यानी यहाँ पे हम 9 इंच पे एक निशान लगाएंगे, इस तरह। और दोनों निशान को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह देखिए हमारी शोल्डर लाइन बिल्कुल सीधी ड्रॉ होगी। अब यहाँ से हम आर्म होल लेंगे, तो मैं ले रही हूँ 7.5 इंच। और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह। यहाँ से भी इसे माप लेंगे, ये बराबर 7.5 इंच होना चाहिए। और इस निशान को यहाँ से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है, तो चेस्ट है इसकी 36 इंच, तो 36 का चौथा भाग होगा 9। तो 9 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ और प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन। अब ऊपर से हम इसकी कमर की लेंथ लेंगे, तो इसकी कमर की लेंथ में ले रही हूँ 15 इंच और एक निशान यहाँ पर करेंगे 15 इंच पे। और यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें कमर का चौथा भाग लेना है, तो कमर है इसकी 30 इंच, तो 30 का चौथा भाग होगा 7.5 इंच प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे एक्स्ट्रा। अब इन दोनों निशान को ज्वाइन कर लेंगे इस तरह। अब यहाँ से 1.5 इंच बढ़ाएंगे और इस तरह राउंड में आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। ये हमारा बैक आर्म होल है और अंदर से एक फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करेंगे इस तरह। ये हमारा फ्रंट आर्म होल है। अब यहाँ से हम कुर्ती की लेंथ लेंगे, तो इसकी रेडी लेंथ है 36 इंच प्लस उसमें 2 इंच सिलाई मार्जिन ले रही हूँ मैं एक्स्ट्रा, तो टोटल लेंथ इसकी मैं ले रही हूँ 38 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब मेज़र टेप को ऊपर से इसी कोने में रखेंगे और इसे नीचे से घुमाते हुए 38 इंच पे निशान लगाएंगे पूरे राउंड में। इस तरह पूरे राउंड में निशान लगा लेंगे। अब इन निशान को ज्वाइन करते हुए राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। इस तरह। और अब इस कमर के निशान को नीचे बॉटम तक एक्सटेंड कर देंगे, तो कमर से इसे हल्का सा कर्व देते हुए इसे नीचे बॉटम तक मिला देंगे इस तरह। और अब यहाँ नेक की मार्किंग करेंगे, तो मैं हल्का सा बोट नेक बना रही हूँ, तो नेक की चौड़ाई में ले रही हूँ 3.5 इंच और नेक डिप में ले रही हूँ 3.5 इंच फ्रंट और बैक दोनों के लिए। अब इस तरह एक बॉक्स बना लेंगे। और राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। मार्किंग हो गई है हमारी।
अब हम इसकी पहले बैक आर्मोल से स्टार्ट करते हुए कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह मैंने इसकी कटिंग कर ली है। और यहां से इसे हाफ इंच शोल्डर से डाउन कर देंगे। और अब अगर नीचे से घेर थोड़ा कम करना हो तो यहाँ पे नीचे से 4 या 5 इंच पे निशान लगाना है और इस तरह इसे क्रॉस में मिला देना है। तो इस तरह आप नीचे से इसका घेर कम कर सकते हैं। मैं इसका घेर कम नहीं कर रही हूँ, मैं इसे फुल फ्लेयर कुर्ती बना रही हूँ। अब इसमें से बैक पार्ट को अलग करेंगे। और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे और अब इसका फ्रंट आर्मोल भी कट कर लेंगे। इस तरह मैंने इसका फ्रंट आर्मोल कट कर लिया है और अब ये कटिंग हो गई है हमारी। ये मैं स्लीवलेस कुर्ती बना रही हूँ तो मैं इसकी स्लीव की कटिंग नहीं कर रही हूँ। और अब हम इसका नेक बनाएंगे। तो नेक बनाने के लिए हम पहले उरेफ पट्टी कट करेंगे। इस तरह पट्टी को क्रॉस में कट करना है। तो ये 2 इंच चौड़ी पट्टी कट की है मैंने। अब हम इससे नेक बनाएंगे। तो पहले हमने दोनों पार्ट को मिला लेना है। दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है और पहले एक साइड शोल्डर पे सिलाई लगा के ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह पहले एक शोल्डर को ज्वाइन कर लेना है और अब इस मार्जिन कपड़े को बैक साइड टर्न करेंगे इस तरह और इस पर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। और अब हम इसका नेक रेडी करेंगे। तो इस पट्टी को इस तरह फोल्ड करेंगे और यहां से इसे लगाना स्टार्ट करेंगे और पूरे राउंड नेक में इसे अटैच करेंगे। तो इस तरह पट्टी को हल्के हल्के खींचते हुए लगाना है। और अब यहाँ नेक के पास छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। और अब इस पट्टी को उल्टी साइड टर्न करेंगे अंदर की तरफ और इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह हमने इस पट्टी को लगा लिया है और ये राउंड नेक हमारा रेडी हो गया है। और अब हमें दूसरे साइड भी शोल्डर को ज्वाइन करना है। तो इसे बराबर मिला लेंगे और यहाँ सिलाई लगा के इसे ज्वाइन कर लेंगे। अब इस तरफ भी इस मार्जिन कपड़े को बैक साइड में टर्न करेंगे और यहाँ ऊपर की तरफ एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब ये नेक रेडी हो गया है हमारा। अब सेम इसी तरह हमें दोनों आर्महोल भी रेडी करने हैं। तो यहाँ भी हम ये उरेफ पट्टी लेंगे और इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे आर्महोल पे रखेंगे और इस पर सिलाई लगा के इसे अटैच करेंगे। तो इस तरह देखिए मैंने इस पट्टी को अटैच कर लिया है और यहाँ पे मैंने छोटे छोटे कट भी लगाए हैं। और अब इस पट्टी को अंदर की तरफ टर्न करना है। इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो ये दोनों आर्महोल मैंने रेडी कर लिए हैं और अब हम इसकी साइड ज्वाइन करेंगे। तो दोनों पार्ट को बराबर मिला लेना है और दोनों साइड फिटिंग की मार्किंग करके साइड ज्वाइन करेंगे बॉटम तक। इसी तरह हमें दूसरी साइड भी ज्वाइन कर लेनी है। तो ये मैंने इसकी दोनों साइड ज्वाइन कर ली है और अब इसे नीचे से फोल्ड करना है।
तो बॉटम से इसे इस तरह डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह फोल्ड करके पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह देखिए मैंने इसकी बॉटम फोल्ड कर ली है। और अब यहाँ नीचे बॉटम में हम ये पॉम्पम लेस अटैच करेंगे। इस लेस को हम पूरे राउंड में अटैच करेंगे। तो यहाँ एक साइड से इसे लगाना स्टार्ट करेंगे, इस लेस को नीचे रखेंगे इस तरह और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हमें इस लेस को अटैच करना है। इस तरह देखिए हमें इस लेस को पूरे राउंड में अटैच कर लेना है। तो ये हमारी लेस अटैच हो गई है और अब हम यहाँ आगे फ्रंट में ये बटन अटैच कर लेंगे इस तरह। तो ये हमारी स्टाइलिश फ्रॉक स्टाइल कुर्ती अब रेडी है और ये है इसकी फाइनल लुक। देखिए कितना अच्छा फ्लेयर आया है इसमें और इसकी कटिंग और स्टिचिंग भी बहुत आसान है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।